Hi guys, and welcome back to Technically Gamer. And in this video I'm going to show you specifications of Watchdogs without graphic card. So bina kisi bakwas ke shuru karte hain. So I'm start karte hain abhi video. Chalte hain aage. Abhi maine Z button dabayi hai jisse ki main sabki notifications, sabki address wagaira dekh sakta hu. For example, maine is pe click kiya. जिसका नाम, इसकी एज, इसकी ऑक्यूपेशन, इसकी इनकम $22 सब मुझे क्लियर दिख रहा है. तो इसमें मेन हाईलाइट है वॉचडॉग्स में कि हम किसी की नौकरी देख सकते हैं. बिजनेस को मारा है तो ऑफकोर्स इसकी आप देख सकते हैं. तो इसमें और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, डिसएडवांटेज है कि हम किसी पीपल सिटीजन को नहीं मार सकते. जी हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, तू तो गया. सो लेट्स देख सकते हैं आप. ऊपर लिख के आ रहा हूँ रेप्यूटेशन सिटीजन और मेरी रेप्यूटेशन कम हो गई है. तो यही होता है कि अगर आप किसी को मारते हैं तो अगर आपकी रेप्यूटेशन पूरी ख़त्म हो गई तो फिर पुलिस आपको जल्दी से, आप कोई भी क्राइम करेंगे तो पुलिस को जल्दी से कैच कर लेंगी, लोग आपको पुलिस को फ़ोन लगा लेंगे. तो ये बहुत बुरी बात है. तो वॉचडॉग्स को समझना चाहिए और जो सेकंड पार्ट आया है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. तब मैं इसको फोर क्लिप को नीचे लाता, अभी इसको हैक किया है मैंने. तो इसे पार्क करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम जंप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो मैं इसी में जंप कर रहा हूँ अभी. चलते हैं आगे. गो 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 गो. ओके, मैं फिर से लिफ्ट आए, लिफ्ट को फिर से हैक करता हूँ. फिर से मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर मुझे नीचे नहीं जाना था, सॉरी. वापस ऊपर चलते हैं, लेट्स गो. ओके, नीचे जो आपको बैटरीज दिख रही होंगी 3, वो बैटरीज काम करती है हमारे हैकिंग को लेकर. अगर आप कोई बड़ा हैक करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल या स्ट्रीम पाइप्स लाइक दैट, तो आपकी जो बैटरीज वो ख़त्म हो जाएगी और उसको चार्ज होने में बड़ा टाइम लगता है. तो ये सब काम करता है. उसने अनलॉक कर लिया है अभी, तो अभी डोर खुल जाएगा. ओके, खुल गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आप, तो यहाँ पर CTOS टावर है, जिससे कि जैसे मैं इसको हैक करूँगा तो मेरी पूरी एरिया के पूरी इन्फॉर्मेशन, बार कोड वगैरह सब मुझे मिल जाएंगी. देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुल गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो उस एरिया की मुझे पूरा मिल गया है. लाइक दिस. ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं. तो मैंने अभी एक मिनी गेम शुरू किया है, उसे टेक डाउन करना है, वो निकल गया है. तो उसे पकड़ते हैं. लेट्स कैच इट. ऑप्शन दिख रहा है ट्रैफिक लाइट्स का, लेकिन मुझे भी हैक नहीं करना है, जिससे कि मेरी बैटरी तेज़ देख सकते हैं. मेरी बैटरी परसेंटेज 2% रह गई है, 3%, तो 1% मेरी घट गई है. यही होता है अगर आप ज़्यादा हैक करते हैं. तो जैसे कि आप अपग्रेड करेंगे आप अपने लेवल को, तो बैटरी भी बढ़ते जाएंगी. तो उसके इसको पकड़ना है. ओके, ये मिल गया मुझे. ओ मिल गया, मिल गया. तो कुछ धुआं निकल गया, मैं तुमसे आराम से पकड़ सकता हूँ. ओके, लेट्स कैच. कहाँ रखी जाएंगे तो इस पर आपकी फोन ज़बरदस्ती आ गया है गेम में, लाइक GTA 5 है. तो क्योंकि और इसे कंपेरिजन दो दिन तक नहीं है, क्योंकि वो गेम अपने में बहुत बढ़िया है और ये गेम अपने में उसमें भी डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. तो मैं बताऊँगा आपको. तो मैंने इसकी पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्ले वॉचडॉग्स विदाउट ग्राफिक्स कार्ड. वो मेरी पहले वीडियो थी. तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाइए उसे देखिए, ताकि आपको पता चल सके कैसे आपने वो उसके बिना ग्राफिक कार्ड के कैसे खेल सकते हैं. ओ ये चला गया, शिट. तो बिना ग्राफिक कार्ड की मोबाइल कंप्यूटर बिना ग्राफिक कार्ड ही कर रहा हूँ. मेरा बहुत स्लो चल रहा है, मेरा एक वीडियो एडिटर से एडिट करके आप थोड़ा फास्ट मोड में दिखा रहा हूँ, फास्ट करके मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है. मैंने गाड़ी थोड़ी प्रॉपर लेकर लगा रहा हूँ, इसी तरह से एक ही बैटरी रह गई है. ओ तो मैं टक्के लेकर आया हूँ, फिर हैक किया हूँ. आगे चलते हुए ओके इंटर लाइक किया है, ओके मिल गया है. तो अब मुझे बस इसको पकड़ना होगा, फिर से फील करते हैं. इसमें और एक मोशन है, हम स्लो मोशन में भी मार सकते हैं, लाइक दिस. स्लो मोशन में मारा है, फिर इसका मेन हाईलाइट है वर्ल्ड टॉप से, कि हम स्लो मोशन इसमें यूज़ कर सकते हैं. और ये लेकिन हम किसी
चोर को मारेंगे तो हमारी रेपुटेशन कम होगी, ये देख सकते हैं रेपुटेशन फिर से कम हो गई है। तो मैं इसका फ़ोन ट्रैक करता हूँ और इसे मैंने हैक कर लिया है। ओके तो फिर आगे चलते हैं, चलते जाए रास्ते। फिर मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए, बस कुछ भी करो, बहुत बोर हो गया। चल चल गए। ओके मिल गई। ओके रुक जा रहे, मेरी लाडली पोर्श उतर। ओके फिर से हमने देखा जाए मेरी रिप्रेशन फिर से कम हो गई है, सिविलियन फील हो गया है तो हमारी रिप्रेशन फिर से कम हो गई है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा और मिनी गेम्स खेलने पड़ते हैं, थोड़ा हीरो बनना पड़ता है, चोर को पकड़ना पड़ता है, तब जाके हमारी रिप्रेशन थोड़ी सी बढ़ती है। तो जैसे ही फुल हो जाएगी हमारी रिप्रेशन, जैसे कि पुलिस हम पे हमें जल्दी पकड़ेगी नहीं, हम थोड़ा बहुत क्राइम करेंगे, किसी को मारेंगे, किल करेंगे, तो ज़्यादा पुलिस पकड़ नहीं सकती हम तो जल्दी से। अगर हमें रिप्रेशन फुल रहे, अगर हमें रिप्रेशन माइनस में चल रही होगी तो कोई भी हमें पकड़ सकता है, सिटीजन हमें फोन लगा सकता है। तो ये एक चीज अपॉइंटमेंट वाली बात है कि यार वॉचडॉग्स से नहीं करना चाहिए था, इतना अच्छा गेम बनाया कोई, उन्होंने बस कोशिश की कि रियलिस्टिक इफेक्ट थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो फिर भी गेम में तो किसी को मारने में मज़ा आता है ना, तो आप ही सोच के देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से गेम पसंद ये भी सब चलते हैं आगे। मेरी ड्राइविंग थोड़ी अच्छी नहीं है अभी, मैं अभी CTOS टावर को हैक करने जा रहा हूँ वापस से। कार्स जो सारे डिफरेंट वेराइटी की आपको मिल जाएंगी अगर आप मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मोबाइल ऑन करते हैं तो आपको कार ऑन डिमांड करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप कार मंगवा सकते हैं। आप एक बार ही पे करना पड़ेगा, बाकी आपको फ्री में मिलेगी कार। और कार भी बहुत अलग अलग कैटेगरी में बहुत बेस्ट बेस्ट कार मिलेगी आपको, ट्रक से लेकर स्पोर्ट्स कार तक बाइक भी मिल जाएगी, सब मिलेगी। तो इसमें ये भी एक मेन हाईलाइट है। पर GTA 5 में ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे हम पर्सन को चेंज कर सकते हैं अपने, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। बस जो इसमें है वो उसमें नहीं है, जो उसमें है वो इसमें नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल GTA 5 में हम किसी को मार सकते फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम चीट एक्टिवेट कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। लेकिन इसमें हम हैकिंग स्किल ऑल्डर हैकिंग स्किल सब होती गई है, उसमें हमको मोबाइल फ़ोन में कार ऑन डिमांड का ऑप्शन दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है वॉचडॉग्स में जो GTA 5 में नहीं है। तो दोनों भी अपने अपने इसमें बहुत ज़बरदस्त गेम्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बिना ग्राफिकल गेम खेलना है तो यार एज खेल लो, टाइम पास को टाइम पास भी हो जाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा, फुल पैसा वसूलूँगा। मैंने तो डाउनलोड किया है, मैं भी आपको करूँगा। अगर आप DVD लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, फिर भी अगर आप गेमर है तो आपको ग्राफिक कार्ड तो ख़रीदना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो कमॉन हमें CTOS टावर को हैक करने नहीं दे सकते, बस मोबाइल अपने मोबाइल दिखा सकता हूँ मैं, देखिए आप मोबाइल। अब CTOS टावर को हैक करते हैं, लेट्स हैक इट। तो वही सिलसिला कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अभी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी मे बी, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।